नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। बीपीएससी की 69वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको कि बीपीएससी की 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 31 जुलाई को आएगा, जबकि 17 अगस्त से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगी जो 28 अगस्त तक चलेगी। 31 अगस्त को अंतिम रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई है और इसकी जानकारी बीपीएससी ने अपने नए एग्जाम कैलेंडर में दी है। 17वीं एकत्रित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पीटी 30 सितंबर को होगी। रिजल्ट 5 से 7 नवंबर तक आएगा। इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव नहीं किया गया है। यह अगले साल यानी कि 2025 में 3 से 7 जनवरी को होगी। रिजल्ट 31 जुलाई को निकलेगा। आपको बताएं कि इंटरव्यू 17 से 28 अगस्त तक होगा और फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को आएगा। ये परीक्षा कितने पदों के लिए हुई है इसके बारे में बीपीएससी आगे के दिनों में आपको जानकारी देगा, उसको नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं आयोग की ओर से इस साल 21 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी नए कैलेंडर में शामिल 21 परीक्षाओं में से 16 की तिथियां वही हैं जो पहले जारी की गई कैलेंडर में थी। केवल उप प्राचार्य आईटीआई सिमुरतला स्कूल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसके साथ ही प्राचार और उप प्राचार्य और प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया गया है। आपको बताएं कि नई घोषित तिथियों के अनुसार उप प्राचार्य आईटीआई की परीक्षा अब 2 अगस्त को होगी। तो इन सब के तारीख में जो बदलाव किया गया उसके बारे में भी हम आपको एक-एक करके जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए इंटरव्यू 19 सितंबर से होगा। अंतिम रिजल्ट 13 सितंबर को जारी होगा। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की परीक्षा 12 और 13 अगस्त को होगी, जबकि इंटरव्यू इसका 23 सितंबर से शुरू होगा। तो जो भी उम्मीदवार इस सब में इंटरेस्टेड हैं वो एक एक करके आप पूरी जानकारी नोट कर लें। आपको बता दें कि सिमुरतला स्कूल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा शिक्षक और प्राचार्य और उप प्राचार्य दोनों की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होगी और 18 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा, जबकि 20 दिसंबर को इन पदों के लिए इंटरव्यू होगा। तो तमाम जानकारी हमने आपको दी कि बीपीएससी जो अब एग्जाम लेगा उसकी तारीख उसके कैलेंडर को जारी कर दिया गया है और उसके तहत ये एग्जाम्स लिए जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ एग्जाम्स में बदलाव ज़रूर हुए हैं जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। और अगर आप इस उम्मीदवार हैं और इंटरेस्टेड हैं आने वाले वक्त में बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं और इसीलिए ये डेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप इस डेट को नोट कर लें ताकि आपके पास कितना समय है वो आप देख लें और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद ही ज़रूरी था। हमने आपको ये तमाम जानकारी दी कि जो बीपीएससी 21 एग्ज़ाम लेगा उसकी तारीख अब जारी कर दी गई है, उस हिसाब से ही एग्ज़ाम्स होंगे। कोई बदलाव ज़्यादातर एग्जाम में नहीं किया गया है, कुछ एग्जाम में जो बदलाव किया गया वो हमने आप तक साझा की। और भी ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के।